तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं दिवाकर जी के साथ पावर बीआई कोर्स के। और पावर बीआई का पहला कोर्स है हमारा, पहली क्लास। पहले हमने क्लासेस ली थी बट इंट्रोडक्शन क्लासेस वगैरह ली थी, आज हम पावर बीआई को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जी सर, आर्किटेक्चर के बारे में समझते हैं कि पावर बीआई क्या है। जी, पावर बीआई एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप 100 से ऊपर डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं और उस पे आप अपनी डेटा को कनेक्ट करने के बाद इजीली अपने लिए रिपोर्ट्स या पावरफुल रिपोर्ट या डैशबोर्ड या डेटा एनालिटिक्स जो करना चाहे कर सकते हैं। जी, अब क्वेश्चन आता है किस तरह की डैशबोर्ड हम बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल आपका आंसर दे देगा। आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है पावर बीआई डैशबोर्ड और इसके इमेज वाले सेक्शन में जाना है। जी, ये जो इमेज दिख रहे हैं ये पावर बीआई के थ्रू बनाए गए रिपोर्ट है या इस तरह की रिपोर्ट बनाई जा सकती है वो भी इजीली बिना किसी ट्रिक अप्लाई। जी, अब बात करते हैं कि पावर बीआई का सॉफ्टवेयर कहां से मिलेगा। तो आपको करना है पावर बीआई डाउनलोड। चीजें बता रहा हूं मैं, इसमें और भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप जिस वेबसाइट को खोले उसका यूआरएल एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे थर्ड पार्टी होते हैं, इससे वायरल चांसेस और सही वर्जन न मिलने के चांसेस हो सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, powerbi.com को लिए प्रोडक्ट पे आइए और पावर बीआई डेस्कटॉप पे क्लिक करिए। पावर बीआई की इसमें देखिए बहुत सारे, एक पावर बीआई डेस्कटॉप है, दूसरा पावर बीआई मोबाइल है, ये आपका डेटा गेटवे है, आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग का सॉफ्टवेयर है, ये आपका पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पावर बीआई डेस्कटॉप। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे देखिए यहाँ पे यूआरएल दिखेगा। ये यूआरएल है आपको .ms/powerbi/store। तो क्या होता है कि आपके आपका अगर विंडो 10 है, ये 10 है, तो इसमें स्टोर मोबाइल की तरह से प्ले स्टोर होता है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर दिया हुआ ये यहाँ पे ले जाता है। इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी लेंदी है, तो उससे अच्छा है कि यहाँ एडवांस डाउनलोड पे चले जाए। जी, यहाँ पे लैंग्वेजेस ऑप्शन देगा, सिलेक्ट कीजिए और डाउनलोड कर। जी, डाउनलोड करने के बाद, हाँ कर लिया आपने। डाउनलोड करने के बाद क्या होता है कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मांगता है, जैसे देखिए अभी मुझसे अपडेट मांगा गया है। जी, तो यहाँ पावर बीआई पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ इसमें अपडेट होते रहते हैं। अभी अपडेट, अब जैसे मैंने पावर बीआई ओपन किया था तो मुझसे अपडेट के लिए पूछा था, हमने यहाँ अपडेट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे वर्जन सिलेक्ट कर लेता हूँ क्या है, तो मेरा 64 बिट है, तो मैंने 64 बिट लिया एंड नेक्स्ट कर दिया। अभी डाउनलोडिंग अपने आप चालू हो जाएगी कुछ देर में। जी, ठीक है जी। एक तो हो गई आपकी, अब पावर बीआई के बारे में जान लीजिए। पावर बीआई की जो रिपोर्ट होती है यहाँ पे बनती है और उसको हम पब्लिश करते हैं इंटरनेट पे, तो आपके पास इंटरनेट की आईडी भी होनी चाहिए। लेकिन इंटरनेट पे ट्रायल परचेज भी कर सकते हैं, बट ट्रायल वर्जन के लिए आपके पास कंपनी की ईमेल आईडी होनी चाहिए। वो पब्लिक ईमेल आईडी ट्राई फ्री करेंगे, ट्राई फ्री यहाँ पे आपसे वो आपका पावर बीआई लॉगिन है साइन अप पूछेगा, साइन अप पूछा। अब यहाँ पे आप जीमेल शीमेल डालते हैं तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? जी सर। अगर जीमेल तो कंपनी की ईमेल आईडी चाहिए, अगर इसमें जीमेल और बाकी आईडी हम लिखते डालते हैं साइन अप करते हैं तो सीधे मना कर देता है। तो इसलिए मैंने आपको एक आईडी अपने तरफ से बना के दिया था जिससे आप लॉगिन, जी सर, जो मेरे साथ ज्वाइन करते हैं उनको मैं अपना आईडी बना के दे देता हूं ताकि वो ऑनलाइन साइन अप कर सके। अब जैसे कितने दिन का ट्रायल वर्जन है, तो ये लंबा चलता है सर, मेरा तो करीब 1 साल भी चल रहा है। ठीक है,
अब मैंने डाउनलोड किया है, उस अपडेट को भी एक बार अपडेट कर लेता हूं कि कैसे इंस्टॉल होते हैं। तो अपडेट भी एक तरह का पूरा सेटअप होता है, बात समझ रहे हैं जी सर। अपडेट ऐसा नहीं है कि अपडेट पैच फाइल दिया है, ये पूरा का पूरा सेटअप भी डाउनलोड करता है, पूरी दोबारा से इंस्टॉल होता है सर। रीइंस्टॉल करना होगा जी। जी हाँ जी हाँ। तो भी मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, दो मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा और टाइम बहुत ही कम लगता है। अब ये बोला है माइक्रोसॉफ्ट पावर क्लिक रिट्राई द इंस्टॉलेशन। अच्छा पावर भी ओपन है, इसलिए मैं इसको एक बार क्लोज करना होगा। कुछ प्रॉब्लम लग रहा है सर, मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हमको ओपन करते हैं। पावे के लोगो आपने देखा, ये लोगो भी चेंज हुआ, पहले कुछ और लोगो था सर, इस तरह का लोगो था जो डेस्कटॉप पे दिख रहा है। इसमें आपको जैसे पावर वे ओपन करते हैं तो फर्स्ट विंडो ये आता है। अभी जैसे इसमें बहुत सारे वीडियोज बोल रहे हैं आप, यहाँ पे व्हाट्सएप न्यू फॉरम, यहाँ पे पावर बी आई ब्लॉग ट्यूटोरियल्स। पावर बी आई भी आपको स्टडी के लिए और हेल्प के लिए बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड करता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको आपने जो लास्ट डेटा कनेक्ट किया है, लास्ट जो आपने रिपोर्ट बनाई है, वो आपको यहाँ दिखेगा। उसके अलावा गेट डेटा वगैरह रिसोर्स वगैरह यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे आपका नाम दिखता है। अगर आपने ऑनलाइन लॉगिन नहीं किया है तो आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा। बिना लॉगिन करने खुलता है तो मतलब चॉइसेस ऐसा नहीं कि लॉगिन करने के बाद आगे जाएगा, बिना लॉगिन के भी इसको यहां से क्लोज कर सकते हैं जी। ये आपका पावर बीआई का विंडो, ये आपका कैनवस एरिया है जहां पे आपकी रिपोर्ट तैयार होती है, ये आपका विजुलाइजेशन है, ये आपका फिल है, एकदम पिवट टेबल की तरह, बिल्कुल पिवट टेबल की तरह। तो कैसे होता है, सबसे पहले इसमें हमें डेटा लाना होता है, राइट। तो डेटा लाने के लिए तो डिफॉल्ट यहां पे दिख रहा है, तो मैं इनटू फ्रॉम इनटू एक्सेल पे क्लिक करता हूं और यहां से डेटा लेके आता हूं। मैंने यहां से एक मिनट डाउनलोड पे जाता हूं और यहीं से कोई डेटा उठा लेता हूं। इसी को उठाता हूँ, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब डेटा उठाइएगा तो डेटा एक डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टार्टिंग से होना चाहिए जो डेटा का फॉर्मेट। एक रिपोर्ट फॉर्मेट में डेटा होगा तो फिर डेटा उठ के नहीं आएगा। अच्छा सर, अगर मर्ज किया हुआ सेल सब हो तो भी दिक्कत होगा सर, डेटा मर्ज नहीं होना चाहिए जी। आपके सामने पास ये डेटा उठ के आ गया हुआ है, उसको किया, उसको लोड कर दिया। तो जैसे पिवट टेबल में हम करते हैं ना, सेम पिवट टेबल की तरह ही है जी। बस आपको अपना विजुलाइजेशन सिलेक्ट करना है और ड्रॉप करना है। सर हम लोग पिवट में जो करते हैं सिर्फ वही काउंट सम एवरेज, बस यही तीन चीज का मतलब इसमें भी आता है, इसमें भी सर आता है। जैसे हमने क्या किया, ये आपके सामने मिल गया। अब मेरे पास ये फिल्टर है तो फिलहाल फिल्टर को हटा देता हूँ। अब आती है यहाँ पे विजुलाइजेशन जी सर। तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले ये चीज डाल दीजिए। तो जी डेट है, मुझे डेट बाय ये चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए और डेट हम यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पे डेट पर रखने के लिए कुछ नहीं दिख रहा है ना, दिख रही है पीछे कि ये ईयर वाइज हो गया, ठीक है ना जी।
एक क्वार्टर वाइज आ गया, ये आपका मंथ वाइज। हाँ, इसमें हमने हमने ग्रेड डाला क्या चाहिए, हमने यहाँ पे क्वांटिटी को उठाकर रख दिया, ये मंथ वाइज आ गया सर। तो यहां से आगे बढ़ सकते हैं, यहां से पीछे बढ़ सकते हैं, ठीक है। डे वाइज आपके सामने आ गया, इसको लिया हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। एक मिनट सर, जूम डिस्कनेक्ट हो गया सर, फिर से स्क्रीन पे आ रहा है। ना सर, हाँ सर, जूम लैपटॉप में सर ये हो गया था सर, कनेक्ट हो रहा है फिर। तो ये देखिए आपके सामने हमने कर लिया, एक विजुलाइजेशन ले लिया। अब इसमें जो आप बोल रहे हैं काउंट जो है इसका क्वांटिटी का सम है, तो इस पे भी आप क्लिक कीजिएगा तो सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम और बाकी और भी कैलकुलेशन वगैरह भी शो होता है। तो कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे चीजें मिलती हैं, हम आगे क्लासेस को बताएंगे। तो आपको जस्ट अपनी विजुलाइजेशन को चूज करना है कि आपको क्या चाहिए, अपना फील्ड को रखना है कि आपको कौन सा फील्ड चाहिए। और उस अपने चार्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। सॉरी, तो ये आ गया। अब इस तरह की रिपोर्ट बन गई। अब इसमें और आप अपना अपने हिसाब से और भी करना चाहते हो, जैसे कि मैं इस पे स्लाइसर लगाना चाहता हूं, तो स्लाइसर को लेता हूं मैं, यहां रखता हूं और यहाँ पे स्लाइसन में मुझे मंथ वाइज इसमें से नेम वाइज चाहिए रिपोर्ट, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो मंथ वाइज भी कर सकते हैं, सॉरी लेजेंड हटा देता हूँ। तो ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूँ और इसमें अप डाउन। अब यहाँ पे अपना नेम सिलेक्ट करेंगे, आपका रिपोर्ट उस तरह से बन गया। अब बात आती है कि इस रिपोर्ट को हम भेजे कैसे। तो इसके इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में, पीडीएफ में इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, रिपोर्ट आपका पीडीएफ में बन के आ जाएगा। सर अगर पीडीएफ में करेंगे जैसे स्लाइसर वो जो लगाए जैसे नेम, नहीं तब स्लाइसर वर्क नहीं करेगा ना, नहीं करेगा तो अब इसमें या जिसके पास पावर बीआई नहीं होगा तो सर वो कैसे फिर देखेंगे। हाँ, तो जिसके पास पावर बीआई नहीं है तब देन इस रिपोर्ट को हमें पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश, एक बार इसको सेव कर देता हूँ। ये आपका पब्लिश हो रहा है, मतलब कि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जा रही है कहां पे, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की सर्वर साइट पे। अब आपको आईडी से पावर बीआई पे साइन इन करना है।
साइन करने के बाद जो भी रिपोर्ट आप बनाते हैं ये सारा यहाँ पे आ जाता है। अभी हमने क्या बताया था, बनाया था रिपोर्ट वन, रिपोर्ट वन। रिपोर्ट वन आना चाहिए, डाउनलोड में सर वो सेव हुआ था। नहीं डाउनलोड नहीं, इसमें इसमें वो तो सिस्टम में आया। एक मिनट, जी इंटरनेट कर दिया है। हाँ सही तो है, आ जाएगा। रिपोर्ट वन था ना सर, जी ओके। तो इसी के यहाँ पे आते हैं, माय वर्क स्पेस आ गया सर। रिपोर्ट वन, रिपोर्ट वन। जी जी सर। ये आज के है 27 का है, एक डेटा सेट है और दूसरा रिपोर्ट है। जी इसको ओपन करेंगे तो डेटा ओपन होता है। अब ये डेटा पब्लिश में है, ठीक है ना, रिफ्रेश में है। ये डेटा कनेक्टेड है मेरे सिस्टम। ब्लू, जी ब्लू कलर वाला हमारा रिपोर्ट मतलब ग्राफ जी, हो गया, ये जी, ऑरेंज कलर तो वाला डेटा रिपोर्ट बेस। को आप यहां भी खोल के देख सकते हैं, जी राइट। अब मान लीजिए जी कुछ चेंजिंग करता हूं, जैसे कि मैं यहां पे अपना टाइटल डाल देता हूं टेक्स्ट बॉक्स, और यहां बताओ सेल्स रिपोर्ट Jan 20, ठीक है। जी वैल्यू भी सर देखना चाह रहे हो तो मतलब सबका ऊपर डेट वाइज वैल्यू भी नजर आना चाहिए। हो जाएगा, वो फॉर्मेटिंग बताऊंगा मैं आपको आगे क्लास में, जी फॉर्मेटिंग कराऊंगा ना बताओ। अभी तो जस्ट मैं आपको जी 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 समझ गया सर। ताकि आपको आइडिया लगे कि आखिर पावर बीआई के जरिए हम करेंगे क्या। है क्या चीज जी ठीक है, अब मैं इसको वापस जी सर। नहीं रिप्लेस नहीं, अब इस पे आइए। आइए सर, जी सर अब इसको हेडिंग आ गया। वो भेजना है आपको, तो दो चीजें, फाइल आप इसको डाउनलोड, जैसे यहाँ पे शेयर पे क्लिक दिखा है ना सर आपको, सर जी सर शेयर रिपोर्ट के तौर पे कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रो होना चाहिए। दूसरा आता है एम्बेड कोड, इसको पब्लिक ऑन द बेड कर दीजिए, इसके लिए भी आपको एडमिन का आना चाहिए। ठीक है, जी सर। आपको एक यूआरएल एक लिंक मिल जाता है, उसके बाद आता है आपका जनरेट क्यूआर कोड। अब जनरेट क्यूआर कोड से क्या फायदा होता है, अब जैसे कि आपको जी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया, तो जैसे इसको स्कैन जी आपको वहां पे दिख जाएगा। तो कैसे करेंगे जी इसको भी आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जी तो मुझे अपने मोबाइल फोन पे आना पड़ेगा, मुझे एक मिनट दे दीजिए, मैं जूम के जरिए ज्वाइन कर रहा हूं। जी जी सर। इसको मेके पर जारी कर देता हूँ होस्ट।
अब मैं अपना मोबाइल स्क्रीन आपको शो कर रहा हूँ, जी सर। ओके। तो हमने जी सर। मोबाइल फोन को ओपन किया और इसमें पावर बीआई का ऐप दिख रहा होगा, ठीक है सर? जी। ये पावर बीआई ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, ये फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज। इसमें सर पावर बीआई डेस्कटॉप या सिर्फ पावर बीआई डाउनलोड करते हैं? नहीं, सिर्फ पावर बीआई मोबाइल ऐप ही आता है सर, मोबाइल ऐप आएगा डेस्कटॉप। जी जी ठीक है। ठीक है, अब मुझे यहाँ मोर पे आना है और स्कैनर ओपन करना है, ठीक है? और स्कैनर करने के बाद हमने जो वेब पे क्यूआर कोड बनाई हुई है उसकी फोटो आप भेज दीजिए। अब वो फोटो को ओपन करेगा और इसको स्कैन कर लेगा। स्कैन करते ही आप देखिए पूरी की पूरी रिपोर्ट आप मोबाइल फोन पे देख सकते हैं। तो और इसको आप अपनी साथ चेंज भी कर सकते। मान लीजिए मुझे इंद्र का देखना है, तो हमने इंद्र पे क्लिक किया, पूरी रिपोर्ट इंद्र का हो जाएगा, ठीक है ना? जी ठीक है जी सर, समझ गया। तो इसका यूज आप कर सकते हैं, जबरदस्त है सर जी। ये नया फीचर आया है। अब मैं जी, हम लोग को सर एक्सेल में मैन्युअली कभी कभी करना पड़ता है। जी हाँ जी हाँ। तो अभी और भी नए फीचर्स आने बाकी है जो कि हम आपको बताएंगे जब मैं इसको एक बार अपडेट करूंगा। ओके जी। मैं इसको मोबाइल से लीव करता हूं। तो ये थी आपकी रिपोर्ट हम किस तरह से तैयार करते हैं उसके बारे में। ऑनलाइन इसमें समझ में आ गया आपको? आपने जी सर। कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इसमें अगर आपने किसी को डेटा शेयर किया तो शेयर विथ मी में आएगा, एक गूगल ड्राइव की तरह काम करता है, ठीक है ना? तो तो पावर भी आई है किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं बनाया गया है, वो बनाया गया एक कॉर्पोरेट के लिए। लिंक सर शेयर कैसे करते हैं, लिंक जो भेजते हैं? आपको बताया ना आपको सर कि आपको यहाँ पावर बी आई पे ही जहां रिपोर्ट आपका है उस पे आना है, शेयर पे क्लिक करना है, इसी में आपको दिखेगा कोड एंड पब्लिक पब्लिक जी। लेकिन इसके लिए प्रो वर्जन लेना पड़ेगा और एडमिन से इसका एक्सेस लेना पड़ेगा, तब होता है, तब जनरेट हो जी। जी जी ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल से हम स्टार्ट करेंगे डेटा कनेक्टिविटी कि कैसे डेटा को लेके आएंगे, क्योंकि जब तक डेटा को लेके नहीं आएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना सर। जी ओके बाय। ओके सर।